यही है वो खैरान सिटी जो कि यहाँ पर कुवैत में अभी काफी ज्यादा फेमस हो रही है। रात के टाइम में ये जलेंगे। Hey guys, welcome back to my channel, Watch the World Beauty, और स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे एक और नए व्लॉग में। ओके, सो थंबनेल और टाइटल को देख करके आप समझ गए होंगे कि आज का हमारा व्लॉग किस जगह के बारे में होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि आज का हमारा व्लॉग अल खैरान मॉल के बारे में होने वाला है, जो कि यहां पर कुवैत में एक नया मॉल ओपन हुआ है। इसका यार मैंने काफी नाम सुना है, काफी चर्चा चल रही है इस मॉल की, और यहाँ पर कुवैत में जितने भी बड़े बड़े मॉल है ना, उनमें ये समझ लो इसका भी नाम अभी शामिल हो गया है। तो व्लॉग को पूरा देखना, क्योंकि आज के व्लॉग में हम काफी चीजें नई एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो चलो चलते हैं अल खैरान मॉल। ओके, ओके गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर, ये जो अल खैरान मॉल है ना, यहाँ पे मैं आ चुका हूँ, और ये यार वाकई में बहुत ही बड़ा मॉल बनाया हुआ है। कुवैत में जितने भी बड़े बड़े मॉल्स हैं ना, उनकी लिस्ट में एक हिसाब से समझ लो एक और नाम शामिल हो गया, और वो है ये अल खैरान मॉल। मैं आपको दिखाता हूँ कितना बड़ा है ये वहाँ से स्टार्टिंग है, समझ लो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये पूरा ये ऑल टोटल गया है वहाँ तक, इसका एंड वहाँ पर हुआ, यानी करीब 1 किलोमीटर की रेंज से भी ज़्यादा में ये मॉल बना हुआ। और ये ऑल टोटल जितनी मैं दिखा रहा हूँ ना, ये पूरा पार्किंग एरिया है, पूरा यहाँ से वहाँ तक पूरा पार्किंग एरिया है। सो अभी मैं ये बता दूँ कि यहाँ पर मैं फाइल से आया हूँ टैक्सी से, 5 KD मुझे पड़े टैक्सी से आने में यहाँ पर, क्योंकि ये काफ़ी दूर है और यहाँ पर कोई भी बस आने जाने की कोई भी यहाँ पर सुविधा नहीं है, क्योंकि ये दूसरे रूट पर पड़ता है। और अगर आप यहाँ पर फाइल से आना चाहते हैं या किसी और लोकेशन से, फाइल में एक बंगाली अड्डा नाम की एक जगह है जहाँ से टैक्सी हर जगह जाती है कुवैत में, तो वहाँ पर मैंने पूछा था, तो उन लोगों ने बताया कि अगर आपको शेयरिंग में जाना है तो 2 KD पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको अपनी खुद की पूरी टैक्सी करनी है तो 5 KD लगेंगे। तो मैंने पूरी टैक्सी कर ली थी, क्योंकि शेयरिंग में दूसरे जो कस्टमर हैं उन लोग में वेट कर रहे थे कि दूसरे जब कस्टमर आएंगे उसके बाद में वो लोग लेकर के यहाँ पर आते, तो उसमें काफ़ी टाइम जा रहा था, इसके लिए मैंने पूरी टैक्सी कर ली। 5 KD मुझे पड़ा यहाँ तक आने में, या फिर अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो तब तो कोई बात ही नहीं, यहाँ पर आप कैसे भी आ सकते हैं, जस्ट गूगल मैप में लोकेशन अवेलेबल है उसको फॉलो करके आप यहाँ पर आसानी से आ सकते हैं। सो मैं आपको ये दिखा दूँ कि ये शायद इसका मेन गेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है अल खैरान। और एक बात और मैं बता दूँ कि ये जो अल खैरान मॉल है ना, इसके साथ में यहाँ पर एक गार्डन एरिया पार्क है छोटा सा, और यहाँ पर एक मरीना बर्ड्स है जहाँ पर आपको बड़ी बड़ी याच बड़ी बड़ी बोट देखने को मिलेंगी। तो ये 3 लोकेशन को हम आज कोशिश करेंगे इस व्लॉग में कवर करने के लिए। सो चलो चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं इसके अंदर अभी कैसा क्या बनाया हुआ है। ओके, अभी मैंने ये जो गेट नंबर 3 ना, यहाँ से मैंने एंट्री की, इसमें शायद 3 गेट हैं जिसमें 3 नंबर गेट से मैंने एंट्री की है, और एंट्री करते ही यहाँ पर लुलू सुपर मार्केट है ना, वो आपको यहाँ पर अंदर मिल जाएगी। सो वहाँ से होते हुए अभी यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ मैं, तो यहाँ पर ऊपर वाले फ्लोर में जो भी चीज़ें हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो ये जो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पूरा नीचे का ग्राउंड फ्लोर है, यानी फर्स्ट फ्लोर है, और इसके ऊपर ये वाला सेकेंड फ्लोर है जो अभी मैं जहाँ पर हूँ। तो ये यार ज़्यादा फ्लोर में तो नहीं है, लेकिन काफ़ी लंबाई में दूर तक गया हुआ है, देखो पूरा वहाँ तक गया हुआ है आगे तक। गाइज, अभी मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर आने के बाद में मुझे ये मालूम हुआ है कि ये जो अल खैरान मॉल है ना, ये 3 फेस में डिवाइड है, फेस 1, फेस 2 एंड फेस 3। तो जहाँ से मैंने एंट्री की ना, गेट नंबर 3 से मैंने एंट्री की थी, और वहाँ पर आपको बाहर से ही लुलू हाइपर मार्केट जो है ना उसका लोगो मिल जाएगा, अंदर आप जैसे ही एंट्री करेंगे तो वहाँ पर आपको लुलू हाइपर मार्केट मिल जाएगी। तो जहाँ पर अभी मैं बैठा हूँ ना, ये पूरा लंबाई में जो एरिया बना हुआ ना, ये पूरा फेस 1 एरिया है, और फेस 3 जो आप एंट्री करें ना गेट नंबर 3 से, वो फेस 3 आपको एरिया उसी के पास में मिल जाएगा। और जब आप सीधा आप यहाँ से लास्ट में वॉकिंग करके जाएंगे, लास्ट में आपको फेस 2 एरिया मिलेगा, जहाँ पर अभी मैं गया नहीं हूँ, तो वहाँ पर मैं आपको पहुँच करके दिखाऊंगा। और ये काफ़ी बड़ा मॉल है, तो इसकी वजह से यहाँ पर जगह जगह पर लिखा हुआ भी है,
तो उस जगह का जिस जगह पे भी आपको जाना है तो वहां पर आप पढ़ करके जा सकते हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये देखो लिखा हुआ भी है, ये जिस एरिया में भी आपको जाना है ना, वहाँ पर वहाँ की ये लोकेशन का नाम यहाँ पर डाला हुआ है, तो इसको फॉलो करके आप जा सकते हैं उस एरिया में। तो इसी को अभी मैं फॉलो कर रहा हूँ। द अल खैरान मॉल इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ सबा अल अहमद सी सिटी। 350,000 स्क्वायर मीटर में बना यह प्रोजेक्ट कई चीज़ों में डिवाइडेड है, जैसे मॉल, मरीना, वाटर पार्क और पार्किंग, और ये हर एक चीज़ लार्ज एरिया में बनी है। जैसे अल खैरान मॉल 70,000 स्क्वायर मीटर की रेंज में बना है, वाटर पार्क 70,000 स्क्वायर मीटर की रेंज में बना है, 3,700 एक बिग पार्किंग स्पेस है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को आराम से खड़ा कर सकते हैं, 300 रिटेल स्टोर हैं जहां पर आपको हर ब्रांड के स्टोर मिल जाएंगे, और इसके अलावा आपको यहां पर कुवैत का सबसे लार्जेस्ट मरीना मिल जाएगा जहां पर 900 बर्थ को खड़ा करने की कैपेसिटी है, यानी आपको यहां पर अलग अलग तरह के याच और बोट देखने को मिल जाएंगे। अगर इस प्रोजेक्ट के बजट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट को पूरा होने में 250 मिलियन कुवैती दिनार का खर्चा आएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ी रकम है। अभी मैं जैसे जैसे यहाँ पर घूम रहा हूँ तो मुझे ये भी मालूम हो रहा है कि यहाँ पर सारी जो शॉप है ना वो ओपन नहीं हुई है। कुछ शॉप यहाँ पर ओपन है, कुछ शॉप अभी यहाँ पर ओपन नहीं हुई, जिसमें कुछ काम चल रहा है, शायद कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पर बाहर में अंदर में हर जगह कुछ कंस्ट्रक्शन का भी काम चल रहा है। जैसे कि इस साइड में अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये स्टोर्स जितने हैं ना, ये अभी शॉप्स ओपन हैं, लेकिन इसके अपोजिट साइड में देखेंगे ये सारे अभी भी यहाँ पर कुछ खुले हुए हैं, कुछ बंद हैं, जिसमें लिखा हुआ ओपनिंग सून, यानी जल्दी ये ओपन होंगे। गाइज, अभी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो अल खैरान मॉल है ना, ये एक इसका जो ओनर है वो एक तमदीन ग्रुप नाम की कोई कंपनी है, वो इसकी ओनर है। ये जो मॉल है ना, ये काफ़ी बड़ा है, तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो पार्किंग एरिया है ना वो भी काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है, तो 3,700 पार्किंग स्पेस है जहाँ पर आप अपनी गाड़ी को पार कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर अपनी गाड़ी से आते हैं तो अपनी गाड़ी को आप यहाँ पर आराम से पार कर सकते हैं। यहाँ पर जब मैं आया था ना, तो उस टाइम मैंने यहाँ पर देखा भी था, पार्किंग जो एरिया बनाना है वो काफ़ी बड़ा बनाया हुआ है और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर जो मरीना साइड है ना, उस साइड में आ गए हैं जहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी बोट या याच खड़ी होती हैं, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो गाइज, ये जो अभी मैं आपको एरिया दिखा रहा हूँ, ये है वाटर गार्डन, जो कि अभी पेंडिंग में है, अभी भी ये कम्प्लीट नहीं हुआ। इसका इमेज मैंने देखा था पहले, यहाँ आने से पहले काफ़ी अच्छा बन करके तैयार होगा, इसका स्ट्रक्चर मैंने देखा था, तो अभी यहाँ पर ये कंप्लीट नहीं, वो बना नहीं है। और ये रही है मरीना साइड, जहाँ पर बहुत सारी बड़ी बड़ी छोटी छोटी बोट खड़ी होंगी, याच खड़ी होंगी, और यहाँ पर ये जो बोट खड़ी होने की जो कैपेसिटी है वो 900 है। यहाँ पर 900 बोट एक साथ में खड़ी हो सकती हैं, जो कि यार काफ़ी बड़ा नंबर है, बहुत ही बड़ा ये बनाया हुआ है, इनमें सब में एक एक बोट खड़ी हो सकती है, जो कि अभी पूरा खाली है। गाइज, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये छोटे छोटे आपको जो पिलर दिख रहे हैं ना, इसका एक पिलर मैं दिखाता हूँ, ये अंदर में ये ग्रीन कलर के पत्थर हैं, स्टोन हैं, छोटे छोटे स्टोन पड़े हुए हैं, और ये रात के टाइम में यार चमकते हैं, यानी एक लाइट के तरीके से काम करते हैं, जो कि यार एक अजीब चीज़ है, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। ये देखो पूरे बहुत ही बड़े बड़े पिलर बने हुए हैं और ये रात के टाइम में जलते हैं, इसका मैंने वीडियो मैंने देखा था पहले, तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। देखो अंदर ये पूरा स्टोन टाइप का है, ये लाइट टाइप चमक रहा है, रात के टाइम में ये जलेंगे, तो ये भी यार एक अनोखी चीज़ है। तो अभी मैं जहाँ पर खड़ा हूँ, ये है मेरे पीछे मरीना, और मरीना के जस्ट सामने ये जो छोटे छोटे मैं घर दिखा रहा हूँ, यही है वो खैरान सिटी, जो कि यहाँ पर कुवैत में अभी काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है। तो यहाँ पर जितने भी घर हैं ना, वो ज़्यादातर ऑलमोस्ट सारे कुवैती लोगों के ही घर हैं, तो जितने भी यहाँ पर आपको कुवैती मिलेंगे वो सारे हाई फाई लेवल के कुवैती मिलेंगे। ओके गाइस, तो अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पर इस मॉल के बाहर में, और ये जो लोकेशन है, ये अलजोर रिफाइनरी, किपिक रिफाइनरी यहाँ पर पास में ही पड़ता है, उसी के पास में ये मॉल है जहाँ पर मैं काफ़ी टाइम तक काम भी कर चुका हूँ उस रिफाइनरी में, तो मुझे ये लोकेशन पहले से ही पता थी, तो मैं यहाँ पर आराम से आ गया। तो अगर आप यहाँ पर कुवैत में रहते हैं या कुवैत में आने वाले हैं, और आप कुवैत में कुछ नई जगह ढूंढ रहे हैं देखने के लिए या घूमने के लिए, तो यहाँ पर आप आराम से आ सकते हैं। ये जो मॉल है बिल्कुल नया ओपन हुआ अभी, बल्कि यहाँ पर अभी कुछ चीज़ें अभी कंप्लीट भी नहीं हुई, पूरी तरीके से ये मॉल ओपन भी नहीं हुआ, कुछ चीज़ें यहाँ पर ओपन हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें यहाँ पर अभी भी बंद नहीं हैं, तो ये कुछ यहाँ पर सीन है। फिलहाल अभी मैं इस व्लॉग को यहीं पर एंड करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके,
चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना यार, नोटिफिकेशन जो बेल है उसको ऑन कर देना ताकि मेरा कोई भी नया व्लॉग आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा। व्लॉग आपको यार कैसा लगा मुझे यार कमेंट करके जरूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक जरूर कर देना। सो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में किसी और नई लोकेशन पे किसी और नए व्लॉग के साथ में। सो तब तक के लिए बाय बाय।